नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कैसी है झोपड़ी, यही है बसेरा, जाएं तो आखिर कहां जाएं। जब भी बरसात होती है साहब पानी घर के अंदर भर जाता है, खाना भी नहीं बना पाते और ना सो पाते हैं। आखिर हमारी क्या गलती है? हमारी सिर्फ इतनी गलती है कि ऊपर वाले ने हमें गरीब बनाया है, इसलिए हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें, जनपद औरैया के ब्लॉक सहार के अंतर्गत आने वाले ग्राम अरियारी में गरीब बेसहारा रीता देवी पत्नी आनंद कुमार इस छोटी जर्जर झोपड़ी व मिट्टी का बना कमरा जो कभी भी गिर सकता है, थोड़ी सी बारिश होने पर ये आवास के पात्र हैं। लेकिन सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। रीता देवी का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान से एवं तहसील व शासन प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी दी, लिखित में कई प्रार्थना पत्र दिए, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर हमारी क्या गलती है? बरसात होने पर घर में रखा सारा गृहस्थी का सामान भीग जाता है, आखिर हम जाएं तो कहां? दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं। आगे देखिए रीता पत्नी आनंद कुमार का क्या कहना है। ब्यूरो राम गोपाल सिंह परिहार की रिपोर्ट। जी, अपना नाम बताइए, किस ग्राम की रहने वाली है? जिला? क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है सर, हमारे पास ना रहने की जगह है ना बैठने की जगह, 5 बच्चे हैं, मजदूरी करके पालते हैं जी। अब प्रधान कोई सुनवाई नहीं करता, कुछ भी कहो इधर से सुनता इधर निकाल देता, कह देता हाँ होगा होगा होगा। जी जी, तो कितने वर्ष हो गए आप इस तरीके से रह रही हैं यहाँ? यही हो गए 10-11 साल। 11 वर्ष से रह रही हैं? 11 वर्ष से जो भी प्रधान हुए उन्होंने आपकी एक भी नहीं सुनी है? इनसे पहले जो प्रधान थे उन्होंने आवास नहीं दिया आपको? कुछ भी नहीं। आपने कहा था उनसे? अच्छा, शासन प्रशासन के किसी अधिकारी से शिकायत की आपने, तहसील में या कहीं? नहीं। आवास और उसके बाद में आपको शौचालय मिला है? मिला। राशन मिल रहा है समय से? हाँ, कितना मिलता है राशन, कितने यूनिट है आपके? 2 यूनिट है सर, 10 किलो मिलता। पूरा मिलता है 10 किलो? कम तो नहीं दे रहा डीलर? नहीं। और कोई शिकायत हो बताइए। थोड़ा बहुत कम देता है 1-2 किलो। जी, आप ये बताइए, आवास जो नहीं मिला है आपको, 11 साल से आप इस तरीके से रह रही हैं, तो आप सरकार से क्या कहना चाह रही हैं, क्या अपेक्षा करना चाह रही हैं? ये परीक्षा आवास मांगो चाहे सर, हमें रहने की देखो छाई मड़ैया चाहिए और कोई सुविधा नहीं है। मजदूरी 250 रुपया करके 5 बच्चे पालते, घर बनवाऊंगी, अपनी पेट को चलाऊं, क्या करूं आप बताओ। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे डीडी टुडे।